नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की व और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो खबर आजमगढ़ से, जहां लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांधी जयंती मनाते हुए रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद नजीरामपुर स्थित केएन मेमोरियल निर्मल हॉस्पिटल पहुंचकर सैकड़ों मरीजों को फल वितरित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष का कहना था कि हम आपसी भाईचारा बनाए रखना है, यदि महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करना है तो प्रतिज्ञा कर ले कि हम अपने अंदर की बुराई को त्याग देंगे। इस मौके पर डॉक्टर भक्त वत्सल सहाय, सुनील अग्रवाल, गप्पू, डॉक्टर सी के त्यागी, गोकुलदास अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, संजय डालमिया, मुकुल अग्रवाल, दीपक अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है लायंस क्लब के अध्यक्ष ने, आप सुनिए। सर, आज दो महापुरुषों की जयंती पे माल्यार्पण किया गया, इसके बाद लायंस क्लब द्वारा हॉस्पिटल में फल वितरण कार्यक्रम रखा गया है और भी कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य देना? भाईचारा बनाए रखने आपस में, और आज के दिन एक प्रतिज्ञा करने की अपने अंदर की एक बुराई को त्याग दें। सबसे अच्छी समझा के लिए यही है।